So, students, physics class 12th, topic is electric lines of force. Electric lines of force क्या होती है? मैंने बताया था आपको, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के सरफेस से आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलती हैं, और अगर वो निगेटिव चार्ज है तो वह इनवर्ड यानी निगेटिव चार्ज की तरफ आती हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिखा मैंने, द पाथ ऑफ ए फ्री पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। यानी द पाथ ऑफ ए फ्री पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पॉजिटिव चार्ज का जो पाथ होता है वही कहलाता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। जिस पाथ को पॉजिटिव चार्ज फॉलो करता है वही कहलाता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। जिस लाइन पर वो चलता है वही कहलाता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। नंबर दो, एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज दैट इमेजिनरी स्मूथ कर्व ड्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग विच ए फ्री आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज मूव। यानी कि वो जो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है और जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो एक क्या होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, वो हमें दिखती नहीं है, वो काल्पनिक है, इमेजिनरी है, ओके, जिस पर कि वो पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। थर्ड पॉइंट इज द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। कहने का मतलब ये कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है अगर हम उसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस पॉइंट पर जो टेंजेंट होती है वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अभी हम आगे बताएंगे आपको, ओके। तो ये देखिए, नोट्स नोट कर लीजिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके सरफेस से ये आउटवर्ड जा रही है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, ये है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, इन्हीं को कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। और ये निगेटिव चार्ज है, इसमें इनवर्ड की तरफ आती है, अंदर की तरफ आती है, पॉजिटिव से बाहर की तरफ होती है, और निगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड होती है। आइए पेज नंबर टू पर। नंबर चार, द लाइन्स ऑफ फोर्स ऑफ ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आर स्ट्रेट डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। अभी मैंने बताया आपको ये सीधी स्ट्रेट लाइन होती है। इन द केस ऑफ निगेटिव चार्ज, और ये इनवर्ड होती है। अगर सपोज कीजिए मैं छठवें पॉइंट पर, सिक्स पॉइंट पर एक निगेटिव चार्ज ले लेता हूं और एक पॉजिटिव, तो दोनों का नेचर अलग अलग है। तो मैंने बताया जैसा कि पॉजिटिव से इमर्ज निकलती हैं और कहाँ पे इसमें इनवर्ड हो में इनसाइड आती हैं और इससे आउटसाइड में जाती हैं, तो पॉजिटिव और निगेटिव है तो ये निकली और ये यहाँ पे जाकर के एंड हो जाएंगी निगेटिव चार्ज पर। ये यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकली, ये निगेटिव चार्ज पर एंड हो जाएगी। ये इस तरीके से चलता रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज विल बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड दीज लाइन्स विल बी टर्मिनेटेड एट द निगेटिव चार्ज, ओके। आइए सातवें पॉइंट पर। ये देखिए, दो पॉजिटिव चार्ज मैंने लिए हैं, दो पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों का नेचर सेम है, दोनों की स्ट्रेंथ सेम है, तो ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, रिपेल कर रही है एक दूसरे को। ये भी ये बीच में लाइन है, यानी कि ये बीचों बीच में एक पॉइंट एन दिखाया है, ये डॉटेड पॉइंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है यहां पर, ये पॉइंट ये रिप्रेजेंट करता है कि इसकी जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की स्ट्रेंथ यहां पर है इस बीचों बीच पॉइंट पर, और ये जो दूसरा वाला पॉजिटिव चार्ज है इसकी जो स्ट्रेंथ है, बोथ आर इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे विल कैंसिल आउट देयर इंटेंसिटीज, सो दे विल कैंसिल आउट देयर रिजल्टिंग फील्ड। दैट मींस यहां पर कोई रिजल्टिंग फील्ड नहीं होगी, जीरो होगी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की स्ट्रेंथ को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। और बच्चों, इस पॉइंट एन को कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। और इसको फिजिक्स में हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कम टू द थर्ड पेज। द लाइन्स ऑफ फोर्स आर ड्रॉन इन द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय टू इक्वल। मैं समझा चुका हूं वही चीजें जो मैंने अभी लेक्चर दिया, तो ये नोट्स नोट कर लीजिएगा। आइए सातवें पॉइंट पर। ये मैंने एक लॉन्ग लाइन ऑफ पॉजिटिव चार्ज दिया। पॉजिटिव की मैंने प्रॉपर्टी बताई है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आउटवर्ड जाती हुई रेडियली आउटवर्ड जाती है। तो देखिए, इधर से भी जा रही है, इधर से भी जा रही है। ये है, अगर पॉजिटिव लाइन्स ऑफ चार्ज है तो आउटवर्ड निकालिएगा, ओके। ये देखिए, अभी बहुत अभी मौके आएंगे। तो ये पॉजिटिव प्लेट ली है मैंने, दो प्लेट्स लिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, टू अपोजिट चार्ज प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। तो जैसा कि नेचर है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, तो ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का डायरेक्शन है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। ये मैंने राउंड क्यों कर दिया, राउंड मैंने ये इसको इसलिए कर दिया है कि ये स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ा सा ये सर्कुलर है। अच्छा, तो जब सर्कुलर एंड्स होंगे
तो ये थोड़ा राउंड करके निकलेंगी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, और जहां पर सपाट है प्लेन है वहां पर एकदम स्ट्रेट वे में जाएंगी। ओके, तो यानी ये बात समझ लीजिए पूरी फिजिक्स में कि जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का ओरिजिनेशन होगा वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगा। आई बात समझ में? यही इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। थैंक यू।